सुप्रभात, मैं अमरेंद्र तिवारी और आज मैं आ चुका हूँ, हमारा कैमरा आ चुका है कर्मभूमि इंटर आर्ट्स, ये कोचिंग सेंटर है, रवि सर इसको चलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं दिखा दूं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों की हमेशा भीड़ रहती है और आप देख सकते हैं इस वक्त। सबसे पहले तो रवि सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप ये बताइए कि इस कोचिंग की शुरुआत जब आपने की तो आपके दिमाग में उसमें क्या चल रहा था, क्यों आपने इतने सारे बच्चों को एक जगह संगठित करने का काम जो किया है आर्ट्स में, क्योंकि पहले देखा जाता था कि अलग अलग विषयों के अलग अलग कोचिंग, बहुत सारा परेशानी बच्चों को भी उठाना पड़ता था, तो ऐसा क्या ख्याल आया और किस तरह से आपने इसका जो है गठन किया? धन्यवाद अमरेंद्र जी। सबसे पहले यह बताना चाहेंगे कि जब 2012 ईस्वी में कर्मभूमि कोचिंग का स्थापना किया गया तो उस समय एक मजाकिया लहजे में लोग पूछ लेते थे कि आखिर आर्ट्स का कोचिंग क्या होता है। जब हम बिहार स्टेट के द्वारा हम शिक्षक पद के लिए नियुक्त हुए तो मेरे मन में यह एक भावना आया, क्योंकि मैंने मैट्रिक आर्ट्स लेवल पर बहुत अच्छा किया, इंटर मैं यशस्वी कॉलेज से टॉप किया, ग्रेजुएशन और LLB भागलपुर और पटना से मैंने यहाँ का एजुकेशन प्राप्त किया, तो मेरा एक आर्ट का बैकग्राउंड रहा और मैंने ये अनुभव किया कि आर्ट के बलबूते पर भी एक अच्छे पद पर जाया जा सकता है और आर्ट को पढ़ाने का कोई खास रणनीति इस कहलगांव या अंग प्रदेश में था नहीं। तो मैंने ये देखा कि साइंस कॉमर्स के अन्य संस्थान तो हैं ही, तो मैंने 2014 ईस्वी में आर्ट्स का एक नायाब सा कोचिंग लेकर के आया और जिसका नाम रखा मैंने कर्मभूमि कोचिंग। जैसा कि इसके नाम से ही इसका लगता है कि हर एक जो व्यक्तित्व तो होता है वो दिख जाता है किसी के नाम से ही, आपका जो कोचिंग का नाम है कर्मभूमि, यानी कि इसमें आप कितना बच्चों के लिए आप कितना वो रखते हैं कि अगर वो अपना काम सही तरीके से करें तो टीचर का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। कर्मभूमि कोचिंग का एक उद्देश्य रहा है हमेशा से, सबसे पहली बात कि मैंने टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले ख्याल रखा, रेगुलरिटी ये भी जो है मैंने ख्याल रखा, छुट्टी अधिकांशतः इस कोचिंग में नहीं होता है और समय पर क्लास होते रहते हैं, सिलेबस पूर्णतः दो बार अपने कार्यकाल में मैं पूरा कर देता हूँ, जो भी सत्र नए सत्र शुरू होते हैं, और विद्यार्थी को सबसे पहले किसी पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ आते हैं उनको हम चैप्टर वाइज क्रमबद्ध रूप से हम कहानी की तरह समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद लघु त्रिय से पहले ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ को हम फिर कहानी की तरह समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद लघु त्रिय, फिर उसके बाद दीर्घ त्रिय, तो एक ऐसा माहौल हो जाता है उस चैप्टर के प्रति कि लोगों का समझ विकसित हो जाता है। विद्यार्थी से आग्रह यही रहता है कि यदि वो अपने घर पे केवल एक घंटे भी मेहनत कर लें तो मेरे कहानी मेरे लिखाए हुए पाठ्य सामग्री से ही वो केवल अपने जिला टॉप नहीं बल्कि बिहार टॉप भी कर सकते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा सबूत हमें 2015 के जो है रिजल्ट में आया। खुशबू कुमारी जो है जो कि तारण महाविद्यालय की थी वह बिहार में जो है नंबर रैंक जब हासिल किया तो यह कर्मभूमि अपना इतिहास रच चुका था और लगातार अन्य सभी इंटर स्तरीय और बड़े छोटे कॉलेज में आज कर्मभूमि कोचिंग के ही हर जगह आपको टॉपर मिल जाएंगे, खासकर आर्ट में। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई यहाँ पे आके कि इतने सारे बच्चे जब आप देखते हैं कि दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स के, बिहार में माँ बाप की बचपन से ही हो जाती है कि इस बच्चे को IAS बना देना है, इस बच्चे को इंजीनियर बना देना है, इस बच्चे को डॉक्टर बना देना है, अगर यूँ कहें तो माँ के पेट से ही जो है माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को क्या बनाना है। लेकिन अगर देखें बाकी कोचिंग्स में, जैसे कि मैथ्स की कोचिंग होती है वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, लेकिन आर्ट्स की कोचिंग में इतनी ज़्यादा भीड़ जो है मुझे लगता है कि मैंने पहली बार देखा है, खासकर बिहार में। मैं बहुत घूमा हूँ बिहार UP में, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त बच्चों की वो रहती है। आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे आर्ट्स की तरफ जिनका रुझान नहीं है वो माँ बाप के सपने को अपना सपना समझ लेते हैं, कभी बोझ तले मैथ्स ले लेते हैं, कभी बोझ तले साइंस ले लेते हैं, उनका इंटरेस्ट भले ही ना हो लेकिन चूंकि माँ बाप का सपना है कि बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो वो उसकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए गलत तरीके से बोझ के तहत पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये समझ लेना चाहिए सभी विद्यार्थियों को कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है, कोई भी फैकल्टी बुरी नहीं होती है। जहाँ तक आर्ट की बात करें तो इतिहास गवाह है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर चाहे कैलिफोर्निया ले लें, UK ले लें या भारत के टॉप कोई यूनिवर्सिटी को ले लें, आर्ट में पढ़े हुए लोग इस देश पर राज करते हैं। साइंस
एक नौकरी प्रदान कर सकती है, लेकिन आर्ट्स में पढ़े हुए लोग इस देश पर राज करते हैं। इस देश में पीएम हो, सीएम हो, राजनेता से लेकर के आईएएस, आईपीएस, और यदि हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो एसडीओ, बीडीओ, डीएसपी, एसडीएम जैसे पदों पर सुशोभित होकर के अपने उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं जो माँ बाप के सपना होता है, और यह माँ बाप के सपनों से भी एक बड़ा आकार धारण कर सकता है, और यह समाज में प्रतिष्ठा के साथ पद प्रतिष्ठा दोनों दिला सकता है। इसलिए आर्ट्स कभी बुरा नहीं है, बल्कि आर्ट्स को इस बेहतरी से पढ़ना है कि कल ग्रेजुएशन पूरा करते करते एक ऐसे क्षेत्र में हम चले जाएं जहां पर कि लोग यह कह रहे आर्ट्स पढ़ के इस पदों को इन्होंने प्राप्त किया। आप मुझे ये बताइए कि आर्ट्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे आगे, अगर करियर को चुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है जब वो आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं, तो किस रूप में, क्योंकि बहुत सारे लोगों तो अभी पता नहीं होता, जब तक करियर डिसाइड करना होता है तब तक पता चलता है कि समय बीत चुका है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको कि एकदम लास्ट में पता नहीं चलता कि उनको क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो उनको कैसे आप गाइड करेंगे? जब मैंने इस कोचिंग संस्थान का नींव रखा तो उसके पीछे मेरा एक मकसद आर्ट्स पढ़ाने के साथ साथ अपने करियर के प्रति मार्गदर्शन देना था। यदि कोई गरीब गुरबे बच्चे आर्ट्स की शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं तो मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स में डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट को यदि छोड़ दें तो धरती की सभी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। आर्ट्स एक डिग्री है जिसके द्वारा हम रेलवे में जा सकते हैं, हम बड़े जो है पदों पर जा सकते हैं। रेलवे के साथ साथ हम बिहार कर्मचारी चरण आयोग से निकलने वाले सचिवालय साहब जैसे पदों पर जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम पहले भी जैसे कि बता चुके कि एक हम पीसीएस पदाधिकारी के साथ साथ आईएएस और आईपीएस भी बन सकते हैं। इसलिए आर्ट्स पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि करियर खत्म हो जाना, बल्कि आर्ट्स पढ़ने का तो मतलब ये हुआ कि करियर को उस रुझान तक ला देना जहाँ से सफलता आपको बहुत ही निकट दिखाई देने लगेगा। इसलिए आर्ट्स लेने वाले अपने दिल को कभी कमजोर ना समझें, बल्कि आर्ट्स से हम बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। खासकर मेरा एक उदाहरण ले लीजिए, आर्ट्स से भी मैंने कई परीक्षाओं को सफल किया और हाल में ही बीपीएससी के एग्जाम में जो है मैं काफी बेहतर कर चुका हूँ। फाइनल रिजल्ट होते होते रुक गया है, लेकिन उसी कार्य में मैं लगा हुआ। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, कैपिटलिज्म जो है वो कैपिटल हावी हो रहा है शिक्षा पे, गरीब बच्चे जो है कहीं कहीं उनके पास उतनी पूंजी नहीं हो पाती कि वो पढ़ाई पे खर्च करें। कपड़े तो आप 200 के बाज़ार से लेके पहन सकते हैं, ब्रांड जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोचिंग की बात करें तो आपका कोचिंग मुझे बहुत ही सिंप्लिसिटी, क्योंकि यहाँ पे जितने बच्चे मुझे दिख रहे हैं, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये किसी बहुत बड़े घर के बच्चे नहीं है, ये बिल्कुल साधारण बच्चे हैं, लेकिन असाधारण प्रतिभा इनमें नज़र आती है। तो ये जो शिक्षा का जो बाजारीकरण हुआ है उसमें आप अपने आप को कैसे उनसे अलग रख पाते हैं? शिक्षा के बाजारीकरण से खासकर कर्मभूमि संस्थान जो है सर काफी दूर है, इसलिए क्योंकि इंटर में एक यदि कोई साइंस के बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं तो लगभग 50,000 रुपया तक रकम उनका खर्च हो जाता है, और ये गारंटी नहीं शिक्षक दे पाते हैं कि बच्चे कल पास कर पाएंगे या नहीं, टॉप या फर्स्ट करने की दूर की बात है। लेकिन मैं यहाँ पर 5 विषय और 8 के टोटल 9 विषय को अपने स्तरीय पढ़ाई के साथ केवल यूँ समझ लिए, 200 रुपया प्रति महीना इंटर की पढ़ाई, मतलब साल भर में 2500 रुपया में मैं पूरे इंटर की फैकल्टी को पढ़ा करके संपन्न कर देता। ये तो बहुत कम अमाउंट है, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली हो जाए सर। मैं उस गार्जियन से जो कि गरीब है और कहते हैं कि हम बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, कोचिंग की फी बहुत अधिक है, यदि 300 रुपया एक मजदूर यदि वो 10 दिन कमा ले तो 10 × 3 करे तो 3000 की अमाउंट हो जाती है, और अपने बच्चों के प्रति उसको 2500 रुपया ही खर्च करना, उसमें भी सर जब भी बच्चे देते हैं हम रखते हैं, इसके लिए कभी हम किसी को आज तक निकाले नहीं है, आराम से बच्चे देते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार देते हैं, नहीं देते हैं, फिर भी यह कोचिंग संस्थान उन सभी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।